सरकार देश में भी बन जाए, डबल इंजन की सरकार, मैं समझता हूं कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे, ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार देश में भी बन जाए डबल इंजन की सरकार, मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाए। क्या उठा रहे हैं? अब तो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया, दे 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 दे, वो देख लें उसको, और कोई आपत्ति है तो बतलाएं क्या आपत्ति है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम हुआ है तो भाई इलेक्शन कमीशन को बतलाएं। स्कैम सुप्रीम कोर्ट जाए, कौन रोकता है उनको? जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को भी समझना चाहिए कि अब देश की जनता हमारी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, हर दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। केवल कुछ चंद तथा कथित आरोपों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। सब चक्रा में गए थे, मुद्दा रहा है तो एनआरसी। अरे एनआरसी कौन सी बड़ी बात है, यह तो जो भारत के नागरिक उनका रजिस्टर है। इसको आवश्यक हर चीज को लेकर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश हमारे विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो आप लोग ये अनाउंस कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने सीए का किया है, पहले आपने देखिए ऐसा है, यह बिल आज के कई साल पहले संसद में पारित हो चुका है, संसद के दोनों सदन में, और उसका जो है नोटिफिकेशन अभी कई सारी प्रक्रियाएं होती है, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो अब जाकर उसका जो है हम लोगों ने नोटिस में वो नोटिफिकेशन किया है। किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है, या कानून जो है नागरिकता का कानून जो है इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं उनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, मुस्लिम शरणार्थियों जो है कह रहे हैं पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ है, सच्चाई को आना चाह रहे। वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है उस पर भी कहां प्रतिबंध लगा हुआ है, या तो यह है कि तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 पहले तो उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, यही है नागरिकता। मुख्यमंत्री गायब हो गए थे 2 दिनों की, लेकिन अब तो उन्हें चुनाव जो दुमका के फिर से लड़ने की तैयारी, जनता फैसला कर देगी उसको। देश के मुसलमानों को सीए से कोई खतरा नहीं है? ना ना ना, कोई खतरा नहीं है, आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को, क्योंकि हम जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति। आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राजनाथ जी तो ससुराल आए थे, बहुत लंबे समय के बाद आए हैं, तो बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा असर